गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर 8 में हमने देखा था कि स्पर गियर के नॉमेनक्लेचर क्या क्या है और उसका फोर्स एनालिसिस, उसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं और कैसे उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट एग्जांपल से जो आपका दिया हुआ 17.6 में। ये भी एक गियर ट्रेन का दिया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा, बस इसको ध्यान देंगे इसमें कि हम जब भी गियर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन डायग्राम से तो एक रेक्टेंगल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये रेक्टेंगल ऊपर नीचे बना हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये गियर आपस में कनेक्ट है, इसमें ये गियर ऊपर है और ये गियर नीचे में है। लेकिन इस डायग्राम में देखेंगे कि 1 और 2 में जो आपको दिख रहा है वो ऊपर नीचे कनेक्ट है, लेकिन गियर 3 और 4 को देखेंगे तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर ये गियर है, यहाँ एक गियर है, यहाँ कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। तो ये आपका गियर 1 है, ये गियर 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है गियर 3 और गियर 4। तो 1 और 2 आपस में ऊपर नीचे से कनेक्ट है, लेकिन अगर गियर 3 और 4 को देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल्स बने रहते हैं, हम इन ग्राफिक से पढ़ते हैं कि ये एक छोटा गियर है गियर 3 और उसके ठीक पीछे में ये गियर है गियर 4 जो कि एक बड़ा गियर है, तब ये रेक्टेंगल्स आपको ऐसे दिख रहे हैं। अगर ये भी ऊपर नीचे कनेक्ट रहते तो ये गियर 4 का रेक्टेंगल या तो यहां बना रहता या तो यहां बना रहता, पर ये गियर 3 के पीछे में ही दिख रहा है, ये गियर उसी रेक्टेंगल को ही कोइंसाइड किया हुआ है, इसका मतलब ये गियर 4 गियर 3 के पीछे में है। तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त भी इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अब हमने जैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सीखा था कि सबसे पहले हम वो शाफ्ट बनाते हैं जिसमें आपके सबसे ज्यादा गियर है, जैसे गियर 2 और 3 एक ही शाफ्ट में है, तो उसका हम सबसे पहले शाफ्ट एक्सिस बनाएंगे ऐसे। यहां पर हम गियर के लिए पॉइंट्स लेंगे, यहां पर आप सबसे पहले बियरिंग्स दिखा दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है बियरिंग बी और यहां पर लिखा है बियरिंग ए। अब यहां आपको मिल जाएगा गियर 2 का पॉइंट, और जैसे ही पॉइंट मिल जाता है वहां पर 3 एक्सिस बनाते हैं, ये है उसकी वर्टिकल एक्सिस और ये है उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वैसे ही आपका जो गियर 3 है वो इस एंड पॉइंट पे है यहां पर, तो इसकी भी अगर हम तीनों एक्सिस बनाए तो ये है वर्टिकल एक्सिस और ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हम गियर शाफ्ट एक्सिस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर बन जाएगा आपका गियर 2 और यहां पर बन जाएगा आपका गियर 3। अब गियर 1 की पोजीशन देखने के लिए आपको गियर 2 देखना पड़ेगा कि गियर 2 के ठीक नीचे है गियर 1, इसलिए हम इस वर्टिकल लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और यहां पर कोई एक पॉइंट लेंगे। अब अगर वर्टिकल लाइन बन गई है तो इसका मतलब हमको बाकी दो एक्सिस बनाना है जो कि है एक शाफ्ट एक्सिस और एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब गियर 1 इसी तरफ आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर ये गियर 1 ऊपर रहता तो हम इस वर्टिकल लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं और यहां पर वो 3 एक्सिस बना के गियर 1 की पोजीशन को दिखाते हैं। बात करेंगे 3 और 4 के लिए, तो ध्यान से देखेंगे कि मैंने जैसे पहले बताया था कि गियर 4 गियर 3 के पीछे में है। अगर ये नीचे होता तो फिर से मैं वर्टिकल लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करता, ऊपर होता तो ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता, पर ये गियर 4 गियर 3 के पीछे में है तो मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करूंगा पीछे की तरफ और यहां पर कहीं पॉइंट लेके मैं इसके बाकी दो एक्सिस बनाऊंगा। अब देख रहे हैं हम कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन गया है, तो बचा हुआ जो एक्सिस है वो एक वर्टिकल एक्सिस है और वो एक शाफ्ट एक्सिस है। तो इस तरीके से हमको चारे गियर के पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इसके कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसा भी ऑप्शन रहे आपको ध्यान देना है कि रेक्टेंगल्स की पोजिशन किस हिसाब से, उसी हिसाब से आपको अपने गियर के एक्सिस की पोजिशन भी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब यहां पर हम ओवल शेप बना लेते हैं, ये है गियर 1 का छोटा, गियर 2 का बड़ा, फिर से गियर 3 का छोटा और गियर 4 का बड़ा। 3 डायमेंशन में बन रहा है इसलिए गियर्स को हम ओवल पोजीशंस में दिखाते हैं। अब हमको दिखाना है गियर टूथ फोर्सेस। सबसे पहले हम दिखाएंगे पियर 1 और पियर 2 में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इन दोनों गियर्स का आपको मैशिंग पॉइंट पकड़ना है। तो दिख रहा होगा कि ये गियर्स का मैशिंग पॉइंट ऊपर आएगा गियर 1 का, गियर 2 का नीचे में आएगा, मतलब यही दो पॉइंट्स पे गियर टूथ फोर्सेस दिखेंगे। अब हमको चाहिए इनका रोटेशन। तो दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गियर 1 इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। गियर 1 को ये हो गया फ्रंट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, मतलब अगर लेफ्ट तरफ से इसके शाफ्ट की तरफ से आके देखेंगे, इस साइड से आके इसका व्यू करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये गियर 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज हुआ ऐसे। मैं अगर लेफ्ट से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो जस्ट इसका अपोजिट रोटेशन यहां पर आ जाएगा, ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें मैशिंग पॉइंट्स मिल गए, हमें रोटेशन मिल गया।
तीसरी चीज हमें पता करनी है कि इसमें से ड्राइविंग और ड्रिवन गियर कौन सा है। तो दिख रहा है क्वेश्चन में लिखा है ये आपका पिनियन है, ये ड्राइविंग गियर है और ये आपका ड्रिवन गियर है। अब हम पीटी फोर सबसे पहले ड्रिवन गियर में दिखाते हैं। तो दिख रहा है यहां पर ये ड्रिवन गियर है, यहीं पर मेरे को पीटी फोर्स निकालना है और पीटी मतलब होता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स मतलब इस सर्कल से टेंजेंट एक लाइन बनानी है ना। तो ये जो आपका एक ओवल शेप है इससे टेंजेंट एक लाइन तभी बन सकती है जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल जाऊं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पैरेलल जाऊंगा तो ये इस तरफ आएगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसीलिए है क्योंकि हमने इस प्रोसेस को पढ़ा है कि ड्रिवन गियर में जो टेंजेंशियल फोर्स है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर ही होता है और ड्राइविंग गियर में ये डायरेक्शन हो जाता है अपोजिट। तो बस इसी चीज को ध्यान में रखेंगे। अब बच जाएगा इसका रेडियल फोर्स, तो इस पॉइंट पर अगर रेडियल फोर्स दिखाना है इसके सेंटर की तरफ जाते हुए तो ये होता है रेडियल फोर्स पी आर, इसका रेडियल फोर्स पी आर इधर आएगा, ये दोनों रेस्पेक्टिव रेडियल फोर्स आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं हम इस गियर में जो कि गियर थ्री है और गियर फोर है, फिर से हमको इनके मैशिंग पॉइंट पकड़ने हैं। तो गियर थ्री का मैशिंग पॉइंट आएगा पीछे, गियर फोर का मैशिंग पॉइंट आएगा आगे, मतलब यहीं पर आपको दोनों गियर्स के पॉइंट्स मिलेंगे है ना, यहीं पर दोनों फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद हमको चाहिए रोटेशन, तो गियर टू और गियर थ्री एक ही शाफ्ट में है और गियर टू एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है व्हेन सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पेज, तो गियर थ्री भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा। तो इसका फाइनल अपोजिट रहेगा फोर्थ में वो है क्लॉकवाइज पोजीशन। तो हमें अब गियर के दोनों रोटेशन के पोजीशन मिल गए है ना। अब हमको पता करना है इसमें ड्राइविंग और ड्रिवन गियर कौन सा है। तो दिख रहा है गियर थ्री इज द ड्राइविंग गियर और गियर फोर इज द ड्रिवन गियर, मतलब सबसे पहले टेंजेंशियल फोर्स हमको गियर फोर के इस पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा। अब टेंजेंशियल फोर्स हमेशा सर्कल से टेंजेंट लाइन बनता है। अब इस सर्कल से इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट बनाना है तो वो लाइन कुछ ऐसे ही हो सकती है, तभी ये उसका टेंजेंट दिखेगा। और अगर इसको एरो का डायरेक्शन दे तो ये या तो एरो ये ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है या तो नीचे की ऊपर की तरफ हो सकता है। इसमें से दो ही ऑप्शन हो सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स को दिखाने के लिए, लेकिन आपको पता है कि ड्रिवन गियर में हमेशा जो टेंजेंशियल फोर्स है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर होता है, जो कि ये ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये पेयर अलग है इसलिए इसमें मैं पीटी डैश यूज कर रहा हूं, और ड्राइविंग गियर में ये टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट हो जाएगा ऐसे। रेडियल फोर्स फिर से इस पॉइंट पे इसके सेंटर की तरफ जाता हुआ, तो इसमें रेडियल फोर्स मिलेगा ऐसे पी आर डैश, और इसमें इसके सेंटर की तरफ जाता हुआ इसमें मिलेगा पी आर डैश ऐसे। तो ये बन जाता है इनका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गियर टूथ फोर्सेस, और इसी को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है कि आपको पता करना है कि ए और बी पर रिएक्शंस कैसे आते हैं। तो उसके बाद आपको ना गियर फोर की जरूरत पड़ेगी ना गियर वन की जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ टू और थ्री के मैग्नीट्यूड और रिएक्शंस निकालने हैं। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने का वही प्रोसेस यूज करेंगे जो आपने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि दोनों अगर इसके जो फॉर्मुलेज हैं पीटी पीआर के उसको यूज करके इनके निकालने का मैग्नीट्यूड, उसके बाद दोनों गियर के टॉर्क को इक्वेट करेंगे आपस में तो आपको पीटी डैश और पीआर डैश मिल जाएगा। उसके बाद हम जब इनका रिएक्शंस निकालने जाएंगे ए बी पे तो एक बार वर्टिकल डायग्राम देखेंगे जिसमें आपको दो फोर्सेस दिखेंगे पीटी डैश और पीआर डैश पीआर, और जब हम इसका टॉप व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल डायग्राम दिखेंगे तो आपको दो फोर्सेस दिखेंगे पी आर डैश और पी टी। तो हम इजीली उनके रिएक्शंस निकाल सकते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायग्राम में, और जब हम इसको आपस में रिलेट करेंगे तो हमको रिजल्टेंट रिएक्शन मिल जाएगा जो आपको सॉल्व करके नोट्स में दिया हुआ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गियर डिजाइन बेस्ड ऑन लेविस इक्वेशन, लेविस एंड बकिंगम इक्वेशन, जो आपके नोट्स में पेज नंबर 168 में दिया हुआ है। अब गियर डिजाइन करना मतलब उसका मॉड्यूल की वैल्यू निकालना सबसे पहली चीज है ना, उसके डायमेंशंस की वैल्यू निकालना, और डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है उसका मॉड्यूल। अगर हमको किसी गियर का मॉड्यूल पता चल जाए तो हम इजीली उसके बाकी सारे डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो लेविस और बकिंगम ये दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इनके इक्वेशंस डिस्कवर किया है कि गियर के डायमेंशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको पता करना है कि कोई भी गियर फेल कैसे होता है। आप अभी तक जान रहे होंगे गियर्स हमेशा टूथेड व्हील्स होते हैं जिसमें दांत रहते हैं और दोनों मैशिंग गियर्स के दांत आपस में कोइंसाइड करते हैं और उसके बाद एक गियर दूसरे गियर को रोटेट करता है, मतलब टीथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गियर के लिए, और उस टीथ का फेल होना ही गियर का फेलियर कहलाता है। टीथ अगर फेल हो गया मतलब गियर फेल हो गया।
अब टीथ को फेल होने के दो ही तरीके होते हैं, या तो किसी भी गियर का दांत टूट जाए तो उसके बाद वो गियर किसी काम का नहीं रहेगा, या तो किसी तरीके से उस गियर के डायमेंशन में चेंज आ जाए, या तो कहीं से वो घस जाए या कहीं से उसमें कुछ गड्ढे पड़ जाए तो भी वो गियर किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये दो तरीके हो सकते हैं कि या तो दांत खराब हो जाए घस के, या तो दांत पूरी तरीके से टूट जाए। तो दो ही तरीके फेलियर होते हैं, इसलिए हम उसको डिफाइन करते हैं लेविसर बकिंगम इक्वेशन से। सबसे पहला जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो आपको लिखा हुआ है बीम स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ, जिसको डिनोट किया जाता है एसबी से। एसबी स्टैंड फॉर बीम स्ट्रेंथ। अब बीम स्ट्रेंथ इसे बोलते हैं क्योंकि अगर आप गियर के लाइन डायग्राम को देखेंगे तो गियर में ऐसे दांत उसके रहते हैं, है ना, बेसिकली एक पूरा कंप्लीट ब्लैंक रहता है जिसके गैप के पोर्शन के मटेरियल को हम निकाल देते हैं तो अपने आप ये प्रोजेक्टेड टीथ बाहर आ जाते हैं। और अगर इसको ध्यान से देखें, बेसिक फोर्स जो स्पर गियर में आ रहा है वो है टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स। सबसे बेसिक फोर्स रहता है टेंजेंशियल, जो गियर को घुमाने का काम करता है, वो टेंजेंट रहता है इससे, इसको हम पीटी से डिनोट करते हैं, है ना। और अगर ये फोर्स इस तरीके से आ रहा है तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो गियर का दांत है ये कैंटिलीवर बीम जैसा एक्ट करता है। इस गियर के दो एंड है, एक ये ऊपर वाला एंड और एक नीचे वाला एंड। तो उसमें जो नीचे वाला एंड है वो गियर के हब के साथ या ब्लैंक के साथ फिक्स है, लेकिन ऊपर वाला एंड फ्री है जिसमें ये लोड आ रहा है, टेंजेंशियल लोड। तो एक तरीके से ये एक कैंटिलीवर बीम जैसा बिहेव करता है जिसका एक एंड फिक्स है और एक इसके फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है पीटी। ऐसे किसी बीम में फ्री एंड पे जब भी पॉइंट लोड लगता है तो इस बीम को एक ही स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। मतलब ये बेंडिंग, ये आपका बीम बेंड होना चालू करेगा सबसे पहले, धीरे धीरे जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा ये बीम बेंड होगा और जब इसका लिमिट परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर जाएगा ये बीम टूट जाएगा। इसी टेंजेंशियल फोर्स, इसी फोर्स को जो भी झेलना है इसको और जिससे इसको टूटे से बचाना है उसको हम बोलते हैं बीम स्ट्रेंथ, मतलब इसके दांत की ताकत। इसका इसमें आपको जो इक्वेशन निकलेगा वो एक न्यूटन में एक फोर्स आएगा। मतलब ये जो अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी भी गियर टूथ का एसबी का वैल्यू मान लेते हैं 1000 न्यूटन है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो 1000 न्यूटन तक फोर्स झेल सकता है, जिसमें ना वो बेंड होगा ना ही वो टूटेगा। अब इसका इक्वेशन आपके डाटा बुक में दिया हुआ है, यह है पेज नंबर 17.12 में, एसबी इक्वल्स टू एम बी सिग्मा बी वाई। ये चार नोटेशन यूज होते हैं बीम स्ट्रेंथ के लिए स्पर गियर के केस में। इसमें एम बी सिग्मा बी वाई, इसमें से आपको पता है एम गियर का मॉड्यूल होता है, बी होता है उसका फेस विड्थ। ये आपका गियर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो मॉड्यूल के बाद ये जो इसका ये चौड़ाई है ये होता है फेस विड्थ। सिग्मा बी होता है आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, हम उसमें कितना बेंडिंग स्ट्रेस परमिट कर रहे हैं। और इसका भी एक छोटा सा इक्वेशन होता है SUT/3। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है कि आपको गियर कौन से मटेरियल का दिया हुआ है। जैसे आपको मटेरियल मिल जाता है उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, उसको आप डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आप इजीली उस गियर का परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट जो नोटेशन है वो कैपिटल वाई, ये कहलाता है लेविस फॉर्म फैक्टर। लेविस फॉर्म फैक्टर को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पेज 17.12 में टेबल नंबर 17.15। अगर उस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो कॉलम बने हुए हैं, एक नंबर ऑफ टीथ के और एक लेविस फॉर्म फैक्टर कैपिटल वाई की वैल्यूज दी हुई है। मतलब लेविस फॉर्म फैक्टर डिपेंड करता है कि आपके गियर में कितने दांत हैं। और अगर ध्यान से इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा जैसे जैसे टीथ की वैल्यूज बढ़ते जा रही है कैपिटल वाई की वैल्यूज भी बढ़ते जा रही है। तो आपको क्वेश्चन में जो भी आपका टीथ दिया रहेगा गियर का उसको देखते हुए कैपिटल वाई की आप वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो इस तरीके से आप जब चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके गियर का बीम स्ट्रेंथ मिल जाएगा, मतलब उसके दांत की आपको ताकत मिल जाएगी। इसलिए और इस इक्वेशन को डिफाइन किया है लेविस ने, इसलिए हम इसको लेविस इक्वेशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कभी अगर न्यूमेरिकल्स में आया कि डिजाइन द गियर ऑन द बेसिस ऑफ लेविस इक्वेशन, तो ध्यान रखिएगा कि बीम स्ट्रेंथ के इक्वेशन को ही लेविस इक्वेशन कहा जाता है। अब इसमें एक चीज आती है जिसको हम गियर डिजाइन में सबसे पहला स्टेप मान के चलते हैं। वो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको डिसाइड करना रहता है कि दोनों में से वीकर मेंबर कौन है। एक पेयर ऑफ गियर्स में एक पिनियन होता है और एक गियर होता है, और दोनों में से वीकर मेंबर कौन है, इसलिए हम उसको एक स्टेप बना के लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसाइडिंग द वीकर मेंबर।
एक पिनियन है, एक गियर है, जिसको हम वन और टू से डिनोट करते हैं। दोनों में से कमजोर कौन है ये आपको पता करना है। ये डिपेंड ये नहीं करता है कि ये पिनियन छोटा होता है ये गियर बड़ा होता है, हम इसको ऐसे नहीं बता सकते कि पिनियन छोटा होगा तो ये कमजोर होगा, ये बड़ा होगा तो ये है ना ज्यादा मजबूत होगा, इससे पता नहीं चलता है। इनके बीम स्ट्रेंथ के इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं कि दोनों में कमजोर कौन है। जब भी हमको दोनों पेयर में दोनों गियर्स को अगर डिसाइड करना है कि दोनों में वीकर कौन है, तो आपको हमेशा उसके बीम स्ट्रेंथ की इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, तो किसी भी पेयर ऑफ गियर में हमेशा मॉड्यूल कॉमन रहता है दोनों के लिए, क्योंकि मैंने इसको लास्ट क्लास से बताया था कि दोनों गियर्स का मॉड्यूल अगर सेम रहेगा, मतलब उनका दांत का साइज सेम रहेगा, तभी वो प्रॉपरली मैश करेंगे और रोटेट करेंगे, इसलिए मॉड्यूल हमेशा सेम रहता है। दूसरी चीज है फेस विड्थ, बी की वैल्यू, ये दोनों गियर की चौड़ाई भी हमेशा एग्जैक्टली सेम रहती है ना। सिग्मा बी डिपेंड करता है, आपने देखा था अभी सिग्मा बी का इक्वेशन जो होता है SUT/3, इसका मतलब बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड करता है हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, और ये मिलता है मटेरियल से कि गियर का मटेरियल कैसा है। तो मतलब यहां पर अब एक नया ऑप्शन आता है कि अगर आपको वीकर नंबर डिसाइड करना है तो आप सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि क्या वो सेम मटेरियल से बने हुए हैं क्या। और अगर आपको दिखता है, मान लेते हैं कि दोनों केस में एग्जांपल कि आपको ये दोनों गियर्स दिया हुआ है 30C8 से बने हुए, मतलब प्लेन कार्बन स्टील होता है 30C8, इसका मतलब ये दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, इसलिए मैंने यहां लिखा है ये सेम मटेरियल है। और अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों के SUT की वैल्यू भी सेम रहेगी, और अगर इसी क्वेश्चन में आप डालेंगे तो दोनों का बेंडिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस भी सेम ही आएगा। तो इसका मतलब सेम मटेरियल के केस में एम बी सिग्मा बी दोनों, ये तीनों चीजें कॉमन होती हैं। बच जाता है कैपिटल वाई, और अभी मैंने पहले बताया था, फिर से आप देख लीजिए 17.15 में स्टेबल को देखेंगे, लेविस फॉर्म फैक्टर को, तो स्टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे ऐसे नंबर ऑफ टीथ बढ़ते जा रहा है कैपिटल वाई की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है। और आपको पता है पिनियन हमेशा एक छोटा गियर रहता है जिसके दांत को हम डोनेट करते हैं Z1 से, गियर एक बड़ा गियर होता है इसलिए इसके दांत को हम डिनोट करते हैं Z2 से, और पिनियन हमेशा छोटा होता है तो इसका Z1 का वैल्यू, नंबर ऑफ टीथ का वैल्यू भी कम रहेगा, गियर में नंबर ऑफ टीथ ज्यादा रहेगा, इसका मतलब कैपिटल वाई की वैल्यू इसमें हमेशा कम मिलेगी और गियर में आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी। और अगर हम उसको रखें तो हम सीधा बता सकते हैं कि बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू भी, क्योंकि पिनियन का दांत कम है और वाई की वैल्यू भी कम है, तो पिनियन का जो बीम स्ट्रेंथ है SB का इक्वेशन वो भी कम ही आएगा, और गियर का वाई का वैल्यू बड़ा है इसलिए गियर का बीम स्ट्रेंथ की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब जब भी एक पेयर ऑफ गियर्स में दोनों मटेरियल सेम होता है तो पिनियन हमेशा गियर से कमजोर होता है और हमको उसी को डिजाइन करना रहता है, इसलिए हम इसको कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब भी हमको क्वेश्चन में दिखा रहेगा कि सेम मटेरियल दिया हुआ है तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है जो मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं कि सिंस बोथ गियर्स आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल हेंस पिनियन विल ऑलवेज बी वीकर देन द गियर, देयरफॉर वी हैव टू डिजाइन फॉर पिनियन। आप ऐसा एक स्टेप बनाएंगे डिसाइडिंग द वीकर मेंबर और उसमें इस लाइन को लिख देंगे, आपको कोई कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना है, मतलब सेम मटेरियल में यह अंडरस्टूड रहता है कि पिनियन ही हमेशा वीकर रहेगा। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन होता है तो मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं कि सेम मटेरियल में पिनियन इज ऑलवेज वीकर। अब आप बात करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, कि अगर दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, मान लेते हैं पिनियन 30C8 का बना हुआ है और ये कास्ट आयरन FG200 का बना हुआ है, ये दोनों, ये एक स्टील है ये कास्ट आयरन है, मतलब दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों का अल्टीमेट स्ट्रेंथ का वैल्यू भी आपको अलग अलग मिलेगा, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ अलग मिलेगा मतलब दोनों का बेंडिंग स्ट्रेस भी अलग अलग मिलेगा। तो यहां पर M और B अब की बार तो सेम है लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, और कैपिटल Y तो अलग मिलेगा ही क्योंकि अभी भी दोनों का दांत अलग अलग है, तो आपको ये दोनों चीज डिफरेंस में मिलेगी। तो जब भी डिफरेंट मटेरियल के लिए आता है तब आपको छोटे से कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, आपको पिनियन का अलग करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले पिनियन का बेंडिंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और उसके दांत को देखते हुए उसकी वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको एक वैल्यू मिलेगी। वैसे ही आपको गियर के लिए भी ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गियर का आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, उसके दांत के हिसाब से उसका लेविस फॉर्म फैक्टर निकालना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आपको एक वैल्यू मिलेगी।
अब जैसे ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी तो आपको ढूंढना है इसमें से स्मॉलर कौन सा है। और ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा पिनियन ही स्मॉलर रहे, कुछ केस में गियर भी स्मॉलर रहता है, और जो भी स्मॉलर आएगा मतलब वो आपका वीकर मेंबर रहेगा और आपको उसी को डिसाइड करना है। आगे न्यूमेरिकल्स में आपको पता चल जाएगा है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको ये डिसाइड करना रहता है जब मटेरियल्स अलग रहते हैं। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे जो है इफेक्टिव लोड। जिसको डिनोट किया जाता है पी इफेक्टिव से, PEFF से। ये आपके नोट्स में दिया हुआ है पेज नंबर 170 में। इफेक्टिव लोड वो लोड होता है जो किसी भी गियर के दांत में बाहर से कोई भी जो फोर्स आ रहा है, कोई भी डायनामिक फोर्स आ रहा है, उसका एक कंपाइल फॉर्म में हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव लोड। मतलब गियर का जो दांत है वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत है बीम स्ट्रेंथ SB। गियर की दांत की ताकत को हम SB से दिखाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा फोर्सेस, जो डायनामिक फोर्सेस बाहर से आ रहे हैं उसको कंपाइल करके हम जो एक फोर्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लोड ऑन गियर टूथ। इसको निकालने के दो इक्वेशंस हैं, आपको दिख रहा होगा। एक है मेथड ए, इसको बोलते हैं एट इनिशियल स्टेज ऑफ गियर डिजाइन या एट प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ गियर डिजाइन। जब हम हमारे पास गियर का डायमेंशंस नहीं रहता है स्टार्टिंग में और सिर्फ डाटा गिवन रहता है, उस टाइम में इस इन डायनामिक फोर्सेस या इफेक्टिव लोड को हम क्या इक्वेशन से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है, P effective equals to CSPD by CV। ये आपके डाटा बुक में पेज नंबर 17.13 में दिया हुआ है। अब इसके नोटेशन को ध्यान देंगे तो इसमें जो CS है ये होता है आपका सर्विस फैक्टर, और मैक्सिमम केस में ये न्यूमेरिकल्स में हमेशा सर्विस फैक्टर की वैल्यू दी रहती है। मैक्सिमम केस में ये 1.5, 1.25, 1.75 इसी रेंज में ही रहता है सर्विस फैक्टर। PT होता है टेंजेंशियल लोड, जिसका हमको अभी फॉर्मूला पता है, वो होता है ट्वाइस MT अपॉन D। तो ये हो गया सर्विस फैक्टर, ये हो गया टेंजेंशियल लोड PT। बच गया आपका CV। ये CV को हम बोलते हैं वेलोसिटी फैक्टर। तो ध्यान देंगे पी इफेक्टिव में ये वेलोसिटी फैक्टर यूज होता है। इसके जो इक्वेशंस हैं ये टेबल नंबर 17.22 में दिए हुए हैं, और अगर वहां पर जाके देखेंगे तो ये CV के तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं अलग अलग। एक है 3/3+V, दूसरा है 6/6+V, और एक है 5.6/5.6+√3 ऐसा करके कुछ दिया हुआ है। और तीनों इक्वेशंस को अगर देखेंगे डिफरेंशिएट हो रहा है कि आपके गियर की वेलोसिटी कैसी है। पहला इक्वेशन है जब आपके गियर की वेलोसिटी लेस देन 10 मीटर पर सेकंड है। सीवी का जो दूसरा इक्वेशन है वो है जब लेस देन 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब 10 और 20 के रेंज में है। और तीसरा इक्वेशन है व्हेन ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकंड। तो मतलब CV डिपेंड करता है गियर की वेलोसिटी पे। अब स्टार्टिंग में हमको अगर क्वेश्चन में गियर की वेलोसिटी पता नहीं है या न्यूमेरिकल्स में नहीं दी हुई है तो हमको एक सूटेबल वेलोसिटी एज्यूम करनी पड़ती है, तभी जाके CV का वैल्यू निकलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में आपको गियर की वेलोसिटी पता नहीं है और इनिशियल स्टेज में आपको गियर डिजाइन करना है, तब आप इसकी वेलोसिटी को आप हमेशा एज्यूम करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू लेस देन 10 है, मतलब CV का एक ही फॉर्मूला निकल के आएगा 3/3+V, मतलब 3/3+5=3/8। इसको डेसिमल में आप चेंज कर लेंगे तो आपको CV की वैल्यू मिल जाएगी, और CV की यही वैल्यू इनिशियल केस में आपको हमेशा रखना है। आगे जाके जब गियर डिजाइन हो जाएगा है ना, हमको डायमेंशन मिल जाएंगे, हम जब एग्जैक्ट वेलोसिटी पता कर लेंगे तो उस वेलोसिटी को देखेंगे कि मान ले स्टार्टिंग में हमने 5 लिया हुआ है, उसके बाद जब हमको एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाएगी आप आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जा रही है, मान लेते वो 12 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको देखना पड़ेगा वो किस रेंज में आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा सीवी का जो दूसरा इक्वेशन है 10 से लेकर 20 के बीच में ये उस रेंज में आ रहा है, तो उस वक्त हम उसका इक्वेशन यूज करेंगे CV=6/6+V। और ये एग्जैक्ट वेलोसिटी वैल्यू अगर मैं रखूं तो 6/6+12, मतलब ये आ जाता है 6/18, ये हो जाएगी CV की वैल्यू। तो CV की वैल्यू स्टार्टिंग केस में तो आपको 5 मीटर पर सेकंड लेके 3/8 रखना है, लेकिन उसके बाद अगर गियर डिजाइन हो जाता है तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी अब पता रहती है, तो उसके हिसाब से, उसके रेंज के हिसाब से ये CV के इक्वेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इनिशियल पी इफेक्टिव निकल जाता है। इसमें एक मेथड बी है, दैट इज लिखा हुआ है एट फाइनल स्टेज ऑफ गियर डिजाइन,
यूजिंग बकिंगम डायनामिक लोड। जब आपका गियर डिजाइन हो जाता है तब उसमें बाहर से लगने वाला जो इफेक्टिव लोड है उसका इक्वेशन बनता है CSPT+PD। इसमें फिर से वही टर्म्स है, सर्विस फैक्टर ये है टेंजेंशियल लोड, और इसमें आपकी बात जो पीडी लिखा हुआ है ये है बकिंगम्स डायनेमिक लोड, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है P17.15। एक बड़ा सा इक्वेशन है जो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, ये आगे मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल्स यूज करते हो कि क्या डिपेंड करता है, पर इसका इक्वेशन दिया हुआ है 21V CV+PT/21V+√CV+PT। ये होता है बकिंगम्स डायनेमिक लोड का यूज करके आपको पी इफेक्टिव निकालना है। अब इन दोनों अगर इक्वेशंस को देखें तो दोनों ही पी इफेक्टिव के लिए, लेकिन ये है इनिशियल स्टेज के लिए जब आपका गियर डिजाइन नहीं हुआ है, और ये फाइनल स्टेज के लिए जब आपका गियर डिजाइन हो चुका है, तब ये दोनों केस में आप पी इफेक्टिव निकाल सकते हैं। और दोनों में आपको फर्क साफ साफ दिख रहा होगा कि इनिशियल स्टेज में यूज होता है वेलोसिटी फैक्टर और फाइनल स्टेज में यूज होता है बकिंगम्स डायनामिक लोड। CS और PT दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इनिशियल केस में यूज होता है वेलोसिटी फैक्टर CV और फाइनल स्टेज में यूज होता है डायनामिक लोड BD। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये पी इफेक्टिव निकालने के दो तरीके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मॉड्यूल निकालना। बताया था गियर का सबसे बेसिक डायमेंशन होता है मॉड्यूल निकालना, और मॉड्यूल बीम स्ट्रेंथ को इक्वेट करके निकल जाता है। उसके लिए आपको फिर से समझना पड़ेगा कि ये SB और पी इफेक्टिव होता क्या है। तो मैंने बताया था कि SB होता है गियर की दांत की ताकत, कि गियर कितना फोर्स झेल सकता है। मतलब अगर मैं एक डायग्राम में बनाऊं तो ये गियर है, ये उसका टीथ है, अगर इसकी मैं ताकत यहां पर लिखूं तो मतलब ये कितना फोर्स झेल सकता है बिना बेंड हुए या बिना टूटे, उसको हम बोलेंगे बीम स्ट्रेंथ। और इस पे लगने वाला जो बाहर से जो भी डायनामिक फोर्सेस आ रहा है वो होता है पी इफेक्टिव। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस गियर के दांत को टूटने से बचाना है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये पी इफेक्टिव हमेशा उसके स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। मतलब उसके जितना फोर्स झेलने की उसकी ताकत है उससे ये इफेक्टिव लोड कम होना चाहिए, या अदरवाइज ये बोल सकते हैं कि दांत की जो बीम स्ट्रेंथ है वो पी इफेक्टिव से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये दांत ना आपका बेंड होगा ना ही टूटेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ। तो मॉड्यूल बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ SB, मतलब बीम स्ट्रेंथ या लेविस इक्वेशन के बेसिस पे आप कैसे मॉड्यूल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें पहली लाइन है कि अगर आपको दांत को बेंड होने से या टूटने से बचाना है तो ये बीम स्ट्रेंथ हमेशा इफेक्टिव लोड से ज्यादा होना चाहिए। और वही लाइन लिखी हुई है, एट इनिशियल स्टेज ऑफ गियर डिजाइन इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर ड्यू टू बेंडिंग SB शुड बी ग्रेटर देन पी इफेक्टिव। ये होना चाहिए, आपके दांत की ताकत उसमें लगने वाले इफेक्टिव लोड से ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर हमको एक इक्वेशन बनाना है जिसमें हम मॉड्यूल निकाल सके तो इनके इंडिविजुअल वैल्यूज रखेंगे। SB का हमको पता है कि MB σBy होता है, ठीक है। सबसे पहले ये करेंगे कि जब भी हम ग्रेटर देन का साइन डालेंगे तो इस ग्रेटर देन साइन को सबसे पहले हम अलग करेंगे, तो SB इक्वल्स टू होता है पी इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप हमेशा डिजाइनिंग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, तो इसी चीज को हम यूज करेंगे यहां पर भी, है ना। सबसे पहले कि बी मिस्टेंड इक्वल्स टू पी इफेक्टिव इनटू FOS। अब इनके इंडिविजुअल इक्वेशंस रखेंगे कि MB σBy कैपिटल Y, ये हो गया SB का इक्वेशन जो हमने देखा है, और पी इफेक्टिव का इक्वेशन वाला यूज करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन है, एक इनिशियल स्टेज के लिए, फाइनल स्टेज के लिए। इनिशियल मतलब जब आपके पास डिजाइन नहीं हुआ है, तो इसमें यहां पर इनिशियल वाला यूज होगा CSPT/CV/FOS। अब हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करेंगे, एम स्क्वायर और B/M रखेंगे, σBy। अब ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये डाटा बुक में और टेक्स्ट बुक में आपके कहीं ना कहीं मेंशन है कि एक स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ फेस विड्थ अपॉन मॉड्यूल ये जनरली हम यूज करते हैं 10। किसी भी गियर के टूथ का जो फेस विड्थ है और उसका मॉड्यूल है उसके बीच में अगर हम रेशियो निकाले तो एक स्टैंडर्ड रेशियो रहता है 10, ठीक है ना। आपके डाटा बुक में कहीं दिया हुआ है ये P17.11 में, है ना, कि कहीं ये बेसिकली ये जो रेशियो रहता है ये 8 से 12 के बीच में रहता है,
तो हम इसका बीच का फिगर लेते हैं, 10 मार के चलते हैं, और इसलिए हम इसको बी बाई एम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इसकी वैल्यू यहाँ पर 10 रख सके। अब आपका बच जाता है सी एस अपॉन सी वी इंटू पी टी, आपको मालूम वो होता है ट्वाइस एम टी अपॉन डी इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर से हम आगे जाएंगे तो एम स्क्वायर बी बाई एम सिग्मा बी वाई इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू ट्वाइस एम टी अपॉन डी। डी होता है, हमको मालूम है, हमने देखा था वो साइंस में डी इक्वल टू होता है मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टी, तो ये हो जाएगा एम जेड इंटू एफ ओ एस। अब अगर इस m को यहां पर ले आएंगे तो आपको एक m क्यूब का इक्वेशन मिलेगा सिग्मा बी वाई सी एस अपॉन सी वी इंटू ट्वाइस एम टी अपॉन जेड इंटू एफ ओ एस। तो ये फाइनल इक्वेशन यूज होता है जिसमें m क्यूब आता है। अब आपके टेक्स्ट बुक में ये थोड़ा अजीब टाइप का दिया हुआ है, m इक्वल्स टू क्यूब रूट करके सारे टर्म्स डिवाइड बाय ये टर्म्स को करके ऐसा दिया हुआ है, जिसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप ये बेसिक प्रोसीजर को फॉलो करें तो आपको आप इजीली वहां पर एग्जाम में ये m क्यूब के इक्वेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। दिख रहा होगा है ना कि एस बी इक्वल्स टू पी इफेक्टिव इंटू एफ ओ एस, एस बी पी इफेक्टिव के साथ एफ ओ एस के साथ ऐसे रिलेट होता है। ये एक बेसिक इक्वेशन आप हमेशा याद रखिए। फिर मैंने एस बी का इंडिविजुअल इक्वेशन रखा, पी इफेक्टिव का इनिशियल वाला इक्वेशन रखा, फिर ये b बाई एम करके सबसे पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, यहाँ पर पी टी होता है ट्वाइस एम टी अपॉन डी और d होता है एम जेड, जिससे m एक और निकल के यहाँ पर आ जाता है, तो ये m क्यूब का इक्वेशन बन जाता है। जब भी हम गियर का पहला डायमेंशन मॉड्यूल निकालेंगे तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। मतलब आपको अगर m निकालना है तो आपको बाकी सारे वैल्यूज पता होने चाहिए, और ये हम इजिली पता कर सकते हैं एक एक करके। मैं आपको बताते जा रहा हूं कि ये b बाई एम की वैल्यू आपको हमेशा रखना है 10। सिग्मा भी आपको मालूम है गियर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो होता है एस यू टी बाई 3। वाई की वैल्यू हमेशा निकल जाती है जो आपको दांत दिया हुआ है। सर्विस फैक्टर हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। वेलोसिटी फैक्टर अभी बताया कि अगर वेलोसिटी पता नहीं है तो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आप अगर लेके चलेंगे तो ये सी वी की वैल्यू आपकी है 3/8, जिसको हम डेसिमल में रखेंगे। आपको ये टॉर्क की वैल्यू आपको मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपका गियर कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है कितने आरपीएम पे, मतलब ये पावर और आरपीएम से आपका ये टॉर्क निकल जाएगा। जेड नंबर ऑफ टीथ हमेशा गिवन रहता है, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको हमेशा गिवन रहेगा। मतलब मॉड्यूल छोड़ के आपको सारी वैल्यूज पता रहेगी, तो आप इजिली मॉड्यूल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट इक्वेशन इसमें आता है वियर स्ट्रेंथ का, वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर। जिसको डिनोट करते हैं एस डब्ल्यू से। मैंने बताया था कि कोई भी गियर का दांत जो फेल होता है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो गियर का दांत ऐसे बेंड होके टूट जाए, या तो गियर का दांत वियर हो जाए, उसमें खराब हो जाए। अब वियर होना मतलब जब भी दो दांत आपस में मैश करते हैं, टकराते हैं पहले, उसके बाद छोड़ देते हैं, वापस आके फिर टकराते हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है। तो जब भी दो दांत के सरफेस आपस में टकराते हैं तो ये पिनियन का दांत गियर के दांत के ऊपर एक फोर्स डालता है, और ये जो स्ट्रेस जनरेट होता है उससे, वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये जब भी उसको दबाएगा तभी ये गियर उसको घूमेगा, तो इसकी दोनों सर्फेसिस के बीच में जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो रहता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। जैसे हमने देखा था कि बीम स्ट्रेंथ के लिए बेंडिंग स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वैसे वियर स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। ये कंप्रेस करेगा तब उसमें वियर होगा। अब हम वियर को हमेशा ये जान के चलते कि वियर मतलब कोई भी चीज को घसने को हम वियर बोलते हैं, लेकिन गियर्स के टीथ हमेशा घसते नहीं है, जनरल केस में घसते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एक इंपैक्ट टाइप का लोडिंग आता है जब भी उसमें। तो ये क्या होता है, जैसे ही जब इसको कंप्रेस करता है और जोर से फोर्स लगाता है, इंपैक्ट लोड लगाता है, तो उसमें पिटिंग प्रोसेस होता है। पिटिंग मतलब उसके कुछ चिप्स ऐसे निकलना चालू हो जाते हैं और उसमें गड्ढा जैसा बनना चालू होता है, इसको हम पिट बोलते हैं। तो वियर फेलियर को हम पिटिंग फेलियर भी बोलते हैं, है ना। तो गियर्स में दो ही टाइप के होता है, या तो उसमें बेंडिंग फेलियर होता है या तो उसमें पिटिंग फेलियर होता है, या तो गियर का दांत बेंड होता है या तो उसमें गड्ढे बनते हैं, इनको पिट्स बोलते हैं। मतलब जो वियर का जो फिनोमिना है वो एक पिटिंग है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत जगह पे आपको ये वियर फेलियर को पिटिंग फेलियर के टर्म्स में भी लिखा जाता है। अब उसकी वो स्ट्रेंथ निकालना है, तो हमको मालूम है कि उसमें जो लग रहा है वो स्ट्रेंथ है सिग्मा सी। अब इसका इक्वेशन आपके डाटा बुक में दिया हुआ है, ये देखेंगे पेज नंबर 17.12 में।
एस डब्ल्यू इक्वल्स टू बी क्यू डी वन के, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसमें भी चार टर्म यूज हो रहे हैं बी क्यू डी वन के। अब इसमें फिर से आपका बी जो है वो गियर का फेस विड्थ है, क्यू का एक फॉर्मूला डाटा बुक में दिया हुआ है आपको, ट्वाइस जेड जी अपॉन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ट्वाइस जेड जी अपॉन जेड पी प्लस जेड जी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पर हम ये पी और जी आपको जानते हैं कि ये आपका रहता है हमेशा पिनियन और गियर के लिए, लेकिन हम वन और टू यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ट्वाइस जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू। ये नंबर ऑफ टी पे क्यू की वैल्यू डिपेंड करती है, ये इसलिए निकल जाती है। डी वन आपका पिस सर्कल वन लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ जाएगा ये पिस सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन है, और इसलिए इसको हमेशा निकालेंगे एम जेड वन से, ये डी वन की वैल्यू निकल जाएगी। बच गया के आपका, तो के का एक इक्वेशन है, इसको आप बोलते हैं के को, यहां पर दिया हुआ है डाटा बुक में दिख रहा होगा आपको, है ना, ये फैक्टर होता है, इसको लेने के लिए आपको इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है के का, है ना, इसको लोड स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं। 17.13 में देखेंगे तो के का एक बड़ा सा इक्वेशन दिया हुआ है जो है सिग्मा सी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा वन अपॉन ई वन प्लस वन अपॉन ई टू अपॉन 1.4। बेसिकली के का इक्वेशन ये होता है जिसमें ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है जिस कारण से उसमें वियर हो रहा है, अल्फा आपका प्रेशर एंगल रहता है, E1 E2 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, E1 पिनियन के लिए E2 गियर के लिए, ये डिपेंड करता है कि दोनों का मटेरियल कैसा है। अगर सीधी सी बात है दोनों का मटेरियल सेम रहेगा तो E1 E2 की वैल्यू भी सेम रहेगी, और यह डिवाइड बाई 1.4। तो ये बड़ा सा इक्वेशन है जो आपको यहां पर यूज करना रहेगा, लेकिन इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हमें कुछ बेसिक डाटा गिवन रहे, और वो बेसिक डाटा के लिए आपको अगर ये गिवन रहे कि जो मैक्सिमम केस में होता ही है कि दोनों ही गियर्स बोथ गियर्स आर मेड ऑफ स्टील, सबसे पहले कि दोनों गियर स्टील के बने हुए हैं और जिनका प्रेशर एंगल है हमेशा 20 डिग्री, क्लियर है। अगर ये चीजें पता रहे आपको कि दोनों गियर्स स्टील के हैं और प्रेशर एंगल 20 डिग्री है, तो आप इस के को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो हमको अगर एक एक वैल्यू ढूंढे, सिग्मा सी का जो वैल्यू है आपके डाटा बुक में कहीं दिया हुआ है, देखेंगे सिग्मा सी इक्वल्स टू लिखा हुआ है 0.27 इंटू 9.81 BHN न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एक और टर्म्स में लिखा हुआ है 0.27 BHN न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, सॉरी KGF पर मिलीमीटर स्क्वायर, हमको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर वाला फॉर्मूला चाहिए, इसलिए सिग्मा सी का ये फॉर्मूला आपके डाटा बुक में दिया हुआ है 0.27 × 9.81 BHN। ये BHN होता है गियर का हार्डनेस। आप जानते हैं कि गियर का हार्डनेस दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दो मशीन से, एक होता है बिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो अगर ये बिनल, ये BHN लिखा है, मतलब ये बिनल हार्डनेस नंबर है गियर का, कि गियर का हार्डनेस कैसा है, ठीक है। तो सिग्मा सी का ये फॉर्मूला बन गया, अल्फा इस केस में 20 डिग्री है, और अगर देखेंगे पेज नंबर 17.13 में, और अगर दोनों गियर स्टील के बने तो इनका E1 और ET का वैल्यू सेम रहेगा, जो कि डाटा बुक में दिया हुआ है 206,000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि आप सिग्मा सी का जो स्क्वायर वैल्यू है 0.27 × 9.81 यहां रखेंगे तो ये पूरा टर्म स्क्वायर में चला जाएगा, साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री 1/2,6000 × 1.4। तो ये देखेंगे इसमें सबकी वैल्यूज हैं सिवाय BHN को छोड़ के, तो आपको ये के का वैल्यू BHN के टर्म्स में जम के आएगा, है ना। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो जो इक्वेशन जम के आएगा वो आपके डाटा बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, 0.16 BHN बाई 100 का होल स्क्वायर, ये डाटा बुक में दिया हुआ है के का वैल्यू। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन तब के लिए वैलिड है जब आपका जो गियर्स है वो दोनों गियर स्टील का बना हुआ है और उसमें प्रेशर एंगल 20 डिग्री है, तो आप ये कैलकुलेशंस छोड़ के डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर वियर स्ट्रेंथ आपको चाहिए, है ना, तो आपको BHN पता करना है, मतलब वियर स्ट्रेंथ में आपका हमेशा
हार्डनेस की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, वीयर स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना, कि बेसिकली मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये जो वियर स्ट्रेंथ का इक्वेशन है ये बेसिकली तब यूज होता है जब आपको पूछा जाता है कि गियर का हार्डनेस क्या है। तो यहां पर आप बी क्यू और डी वन की वैल्यू निकाल लेंगे और के की जगह इस वैल्यू को पुट अप करेंगे, है ना, तो आपको बी एच एन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, एक लास्ट टॉपिक ये भी है ना, कि अगर आपको वियर स्ट्रेंथ की मदद से आपको आपका मॉड्यूल निकालना है, ये नोट्स में दिया हुआ है पेज 173 में, है ना, कि अगर आपको वियर स्ट्रेंथ की मदद से आपका मॉड्यूल निकालना है तो लिखा हुआ है उसमें, आप देख लेंगे क्वेश्चन, अगर मैं इसको 5 बनाऊं, है ना, जैसे हमने बीम स्ट्रेंथ को इक्वेट किया था इफेक्टिव लोड के साथ में और एक एमक्यू का इक्वेशन बनाया था, वैसे वियर स्ट्रेंथ को भी इक्वेट कर सकते हैं हम पी इफेक्टिव लोड के साथ में और एमक्यू का एक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपको वियर स्ट्रेंथ की मदद से निकालना है तो लिखा हुआ है एट इनिशियल स्टेज ऑफ गियर डिजाइन इन ऑर्डर टू अवॉइड फेलियर ड्यू टू पिटिंग, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि गियर के दांत का वियर स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन पी इफेक्टिव। जो चीज एसबी के लिए है वही चीज एसडब्ल्यू के लिए भी है, कि दोनों जो स्ट्रेंथ है गियर की, वियर स्ट्रेंथ उसके वियर होने की ताकत, उसके बेंड होने की ताकत, ये दोनों ही ताकत उस पर लगने वाले इफेक्टिव लोड से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब हम वियर स्ट्रेंथ को भी पी इफेक्टिव और एफओएस के साथ इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था एसबी इक्वल्स टू पी इफेक्टिव इंटू एफओएस, तो एसडब्ल्यू भी होता है पी इफेक्टिव इंटू एफओएस। अब अगर हम इसका एमक्यू का इक्वेशन बनाए तो हम इसका इक्वेशन रखेंगे बी क्यू डी वन के इक्वल्स टू, फिर से इनिशियल पी इफेक्टिव रखेंगे सी एस पी टी अपॉन सी बी इंटू एफ ओ एस। अब हमको अगर मॉड्यूल निकालना है तो हम यहां पर m इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा b बाई एम, ये हो जाएगा q, ये d1 हो जाता है आपका m z1 क्योंकि ये d1 लिखा हुआ है, और उसके बाद k इक्वल टू सी एस अपॉन सी बी, पी टी हो जाएगा ट्वाइस एम टी वन अपॉन फिर से डी वन इंटू एफ ओ एस। अब यहां से ये दोनों m को यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये हो जाएगा b बाई एम, ये हो जाएगा q z1 k इक्वल टू सी एस अपॉन सी बी इंटू ट्वाइस एम टी वन अपॉन m z1 इंटू एफ ओ एस। ये d1 को फिर से हम z1 रख देंगे। अब यहां पर एक तीसरा m भी मिल गया, इस m को हम यहां लाएंगे तो हमको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा m क्यूब b बाई एम क्यू, इस z1 को मैं यहां ले जाऊंगा इसलिए यहां बच जाएगा सिर्फ k इक्वल टू सी एस अपॉन सी वी इंटू ट्वाइस एम टी वन अपॉन जेड वन स्क्वायर इंटू एफ ओ एस। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में दिया हुआ है, तो ये बन जाता है आपका एम क्यू। मतलब आप वियर स्ट्रेंथ को भी यूज करके आप अपने गियर का मॉड्यूल निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन रहेगा ये। पर मैक्सिमम केस में हम इसको यूज नहीं करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको पता करना है कि दोनों फेलियर में से, दोनों जो आपके आपने फेलियर देखा है, गियर का दांत का टूटना और गियर में पिटिंग होना, दोनों में से कौन सा क्रिटिकल फेलियर है। आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये गियर का दांत होता है, जब भी इसमें कोई फोर्स लगेगा या इफेक्टिव लोड लगेगा ये बेंड होगा इस तरफ और ये दांत टूट सकता है, ठीक है ना, और दूसरा इसके सरफेस में पिटिंग आएगा, इसका दांत का सरफेस खराब हो सकता है जब भी वो मैच करेगा, है ना। तो इस पर देख रहे हैं कि अगर कोई गियर का दांत खराब हो जाता है, पिटिंग हो जाता है, तो भी वो वर्क करेगा लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नॉइज आएगा, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन वो बाकी चीजों को ज्यादा नुकसान ही पहुंचाएगा। मतलब आप उसको विजिबल कर सकते हो कि ये दांत खराब हो गया, इसको गियर चेंज करने की जरूरत है, तो वहां पर आप उसको या तो दांत को रिपेयर कर सकते हैं या तो दांत को आप पूरा गियर को ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें गियर का दांत अचानक से टूट गया तो वो टूटा हुआ दांत के साथ वो दूसरे गियर को भी तोड़ेगा, और अगर टूटा हुआ दांत किसी मशीन के इंटरनल पार्ट में घुस गया तो बाकी मशीन्स को भी इफेक्ट करेगा। इसलिए अगर देखा जाए तो पिटिंग फेलियर और बेंडिंग फेलियर, हमारे पास दो फेलियर होते हैं गियर के दांत के लिए, एक होता है आपका बेंडिंग फेलियर जिसको बचाने के लिए ही हम यूज करते हैं बीम स्ट्रेंथ, और एक होता है पिटिंग फेलियर जिसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टूथ। तो दोनों में से जो ये है इसमें ये बेंडिंग फेलियर ही क्रिटिकल है, हम नहीं चाहते कि आपका दांत टूटे, इसलिए मैक्सिमम केस में
मॉड्यूल का जो इक्वेशन है वो एसबी को ही P50 से रिलेट करके निकाला जाता है, इसको यूज नहीं किया जाता है। एसडब्ल्यू का इक्वेशन हमेशा एक ही जगह यूज होता है मैक्सिमम केस में, कि जब आपको आपके गियर का हार्डनेस निकालना है, मतलब BHN की वैल्यू निकालनी है, और ये वाइस वर्सा होता है, मतलब अगर आपको हार्डनेस की वैल्यू निकालनी है तो आप एसडब्ल्यू का इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि होता है BQD1K, और ये K को ही आपको रखना है BQD1 into 0.16 BHN अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अगर दोनों गियर स्टील के हैं और प्रेशर एंगल 20 डिग्री है तो यहां से आप BHN की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा में यह भी बोल सकते हैं कि अगर आपके गियर का हार्डनेस आपको दिया हुआ है तो सीधी सी बात है आप इजिली वियर स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेंथ और वियर के, बेंडिंग के और इफेक्टिव लोड के इक्वेशन है जो आज हमने देखा, जो लेविस और बकिंगम इक्वेशन के बेसिस पे हम जब डिजाइन करेंगे तो इन इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।